मंच पर आसीन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा परम आदरणीय सोनिया गांधी जी केवल युवाओं के प्रतीक नहीं लेकिन जन जन की आकांक्षा जिन पर निर्भर है। आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पर आसीन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण आसपास के प्रदेश और देश भर से आए हुए ये आवाम जो इस संदेश को देना चाहते हैं पूरे देश को कि बदला नहीं लेकिन बदलाव जरूरी है। हिंदी फिल्म तो हम सब कुछ देखते हैं लेकिन जब हिंदी का फिल्म अगर रियल लाइफ में तब्दील हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? स्थिति यह उत्पन्न होगी कि कुछ दृश्य ऐसे होंगे कि युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, गरीब लाचार है, घरेलू उत्पादन का दर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक गिर रहा है, व्यापार पर तालाबंदी का ठोक लग चुका है और बैंक घोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है। और अगर ये फिल्म का दृश्य है तो फिल्म के दृश्य के साथ उस फिल्म का शीर्षक भी है और उस फिल्म का शीर्षक है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। आज देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहा है। किसान को दाम नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, आम इंसान को जिंदगी जीने के लिए आसार नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन आज कच्चे साबित हो चुके हैं। किसान को खुशहाल करने का ख्वाब किसान को आज देश में कुचल रहा है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देश के अन्नदाता पेड़ों से लटक के सो रहा है, अच्छे सपने के दिन देख बस बेबस होकर राह देख रहा है। ये आगाज सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आवाज जाए और अब बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय प्रियंका जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज भारत बचाओ रैली में देश के कोने कोने से आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस महान विशाल रैली का आयोजन किया गया है। भारत बचाने का नारा रामलीला मैदान से निकलकर पूरे देश तक जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की है। आज देश के संविधान के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आक्रमण ये केंद्र की सरकार कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सबको मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के नेतृत्व का कि आज ठीक समय था। चुनाव होने के बाद आज जनता उम्मीद करती थी कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जो लोग आज शासन में बैठे हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर प्रहार किया है, चोट की है किसान के साथ, नौजवान के साथ, बेरोजगारों के साथ। बहुत उम्मीदों के साथ जनता वोट देकर सरकार बनाती है और जब सरकार देश में बन गई आज एक ऐसी सरकार बनी है जो हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर सिर्फ कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा करने का काम कर रही है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाखों लोगों का जो आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से बोलना चाहता हूं कि आज यहां से आह्वान करें कि दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान में जाकर कांग्रेस और आमजन को खड़ा करें, एकत्रित करें, ताकि नौजवान किसान की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे खासकर राजस्थान से जो हजारों हजार लोग यहाँ पर आए हैं, आपने इस कामयाब रैली को अति कामयाब बनाया है। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए, और भारत बचाओ रैली का आज जो एक कामयाब आयोजन हम लोगों ने किया है, ये आने वाले समय में बहुत ताकत हम लोगों को देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।